ऐसे आजकल एक बंदा काफी चर्चा में है, वो है बबलू, क्योंकि बबलू काफी हैप्पी है आजकल, मगर इसका माजरा क्या है वो बताएंगे फिल्म के कलाकार। वेलकम टू जूम। फर्स्ट ऑफ ऑल, बबलू हैप्पी है, इसका क्या राज क्या है, इतना हैप्पी क्यों है आजकल बबलू? बबलू सुपर हैप्पी है क्योंकि बबलू की फिल्म रिलीज हो रही है 7 फरवरी को, एंड तो ये अपने आप में एक हैप्पी होने की बात है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया मिस्टर नीलमता पांडा yes. ने, जिन्होंने इससे पहले आई एम कलाम और चलपरी जैसी फिल्में बनाई है, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है yes. तो बबलू इसलिए भी हैप्पी है क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट करी है, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी इंटेंस फिल्म मेकर है, तो एक एंटरटेनिंग फिल्म है, येट इट हैज़ अ स्टोरी टू टेल, तो इसलिए काफ़ी हैप्पी है बबलू। इसका जो टाइटल ट्रैक है बबलू हैप्पी है, काफ़ी डिस्कोज में बज रहा है, मैंने भी सुना है, इट्स वेरी कैची नंबर। तो म्यूज़िक रिलीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आजकल फिल्मों के लिए, कितना कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ट्रेलर्स आउट हो चुके हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप दोनों? बहुत अच्छा। मैं आपको बताऊंगा कि हम पिछले कुछ 10 दिन से हम सिटी टूर्स पर थे और सारे कॉलेजेस में, इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, और जैसे ही टाइटल ट्रैक बजता है तो उसके बाद वंस अगेन वंस मोर की वो बच्चे चीखने लग जाते हैं। और ये टाइटल ट्रैक जो है ये हार्डकोर ने गाया है yes. उन्होंने कंपोज किया और उन्होंने लिखा है, तो फुल ऑन वो आप जैसे कहते हैं ना, सिग्नेचर स्टेप है जो यू नो हम किसी भी कॉलेज में जाते हैं, एवरीबॉडी स्टार्ट्स डूइंग इट, हमें लगा था हम जाकर सिखाएंगे बट दे ऑलरेडी नो इट। अगर प्रमोशंस की जैसे आप बात कर रहे हैं, कैसी प्रमोशंस रही हैं? नॉर्थ दिल्ली बेस्ड, दिल्ली बेस्ड फिल्म है ये, तो नॉर्थ बेल्ट ज़्यादा फोकस में है प्रमोशंस? बिल्कुल नॉर्थ बेल्ट ज़्यादा है, और हमने चंडीगढ़, लुधियाना, पुणे, तो इस साइड हो गया, और स्टार्ट हमने किया था भुवनेश्वर से, उड़ीसा से, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर उड़ीसा से ही हैं, तो या सो वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, बट ऑब्वियसली नॉर्थ को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दिल्ली से ही शूट स्टार्ट हुई, देन वी वेंट टू मनाली और रोड ट्रिप पे यू नो चंडीगढ़ भी रुके, बीच बीच में बहुत जगहें रुके, सो या बट हम रिस्पॉन्स हमें भुवनेश्वर से भी उतना ही मिला जितना नॉर्थ से मिल रहा है, बट ऑब्वियसली नॉर्थ में ज़्यादा हो रहा है। वॉट एल्स आर वी गोइंग टू सी इन टर्म्स ऑफ प्रमोशंस? यू नो दिस वीक इटसेल्फ योर फिल्म इज रिलीजिंग, तो और प्रमोशंस कितनी ज़्यादा होने वाली, क्योंकि आजकल प्रमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट आर वी गोइंग टू सी? वी यू गोना सी अस इन लाइक, जैसे बताया कि आपको सी अस ऑन जूम, वो तो सबसे बड़ा प्रमोशन है, सबसे बड़ा यही प्रमोशन है, बट या वी आर डूइंग सम इवेंट्स, कॉलेजेस जा रहे हैं और शॉपिंग मॉल्स, कॉलेजेस, और बेसिकली यूथ को टारगेट करा जा रहा है, तो जैसे शॉपिंग मॉल्स में मिलते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, और हम वी वेंट टू रेडियो स्टेशंस, डिफरेंट रेडियो स्टेशंस, और आई थिंक व्हेन वी मीट पीपल पर्सनली वो एक कनेक्शन जो बनता है ना, दैट इज मच बियॉन्ड यू नो टीवी पे तो ऑब्वियसली प्रमोशन हो ही रही है आजकल, यू मस्ट हैव सीन, या देन दे कैन रिलेट टू यू, यू नो दे विल रिमेंबर यू, सो दैट्स हाउ वी आर टारगेटिंग। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।